देखो स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सबका ध्यान यहाँ पे इधर देखो सब लोग, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। नंबर देखो क्या है चैप्टर नंबर 7 बरा, तो 7th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं। अभी वैसे तो मैं इसमें तुमको डेरिवेशंस कराता हूँ थोड़ा स्टार्टिंग में। देखो इधर देखो क्वेश्चन 1, अंदर रख दो उसको। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो मैं तुमको 3 आज डेरिवेशन कराता है, उसमें से पहला क्वेश्चन ये है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में आता है एक्सपेंशन मतलब बढ़ रहा है, एक्सपेंशन मतलब बढ़ रहा है। लीनियर एक्सपेंशन मतलब क्या रहेगा, अलोंग द लाइन बढ़ा रहे अपन, अलोंग द लाइन। लीनियर का मतलब समझ में आ रहा है, लीनियर है नाम में ना, लीनियर मतलब अलोंग द लाइन बढ़ेगा बराबर। अच्छा एक इससे पहले थोड़ा इसका मतलब देखो, थर्मल एक्सपेंशन इस चैप्टर का मतलब देखो। थर्मल का मतलब क्या बताओ, हीट, हीट ना, थर्मल मतलब हीट होता है बराबर। और एक्स वैसे हम लोग जो मैं तुमको 3 डेरिवेशन कराने वाला है वो थर्मल एक्सपेंशन में बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, एक्सपांशन। जब भी हीट आता ना, जब भी कोई भी मेटल पे हीट गिरेगा तो वो एक्सपांड होता है। तुम वाले में चीज कोई भी मटेरियल पे, मटेरियल मतलब मेटल पकड़ लो, मेटल पे अगर हीट गिरता है ना तो वो एक्सपांड होता है बरा। इसका मतलब देखो एग्जांपल बताता हूँ तुमको। रेल ट्रैक देखा, रेल ट्रैक, ट्रैक देखा ट्रैक, तो ट्रैक्स में किसे बनाता है वो, तो आयरन से बना रहेगा, लोखंड बरा, लोखंड से बना रहता है। और वो तो कंटिन्यू समझो हीट के कॉन्टेक्ट में रहता है, जैसे सुबह सूरज उगा और जब तक सनसेट नहीं हुआ तब तक हीट के कांटेक्ट में रहता है ना, सनरेज के बराबर। तो उसमें जब से कंटिन्यूस हीट गिर रहा है तो वो गर्म हो जाएगा एकदम, और जब गर्म हो जाता है मेटल है, मैंने क्या बताया, मेटल को अगर हीट मिला तो वो क्या करता है, एक्सपांड करता है, समझा। तो इसके लिए जो ट्रैक रहता है उसमें बीच में जब भी समझो कुछ 2 ट्रैक्स रहेंगे ऐसा, ये एक ट्रैक समझो एक, और यहाँ पे ये एंड हो रहा है, ये दूसरा ट्रैक, तो बीच में थोड़ा बहुत गैप्स वगैरह रखा जाता है वहाँ बराबर, क्योंकि वो जब एक्सपांड हो तो ब्रेक ना हो, मतलब क्रैक नहीं आना चाहिए उसमें, समझ आ रहा है। अगर बीच में कोई गैप वगैरह नहीं रखेंगे हम लोग और एक्सपांड हो गया तो वो क्रैक होकर टूट जाएगा ना फिर, तो समझ में आ रहा है। मटेरियल्स को जो भी हम लोग देख रहे हैं, आयरन जैसे कि अगर उसको मैं हीट करूँ तो वो क्या होता है, एक्सपांड। एक्सपांड का मतलब ये नहीं कि 1 मीटर लगाया तो 2 मीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है बराबर, थोड़ा सा माइन्यूट एक्सपांशन होता है, समझ में आ रहा है। इसके लिए बीच में गैप्स वगैरह रखा जाता है वहाँ पर, जब वो एक्सपांड हो तब वो उतना जगह ऑक्यूपाई कर ले, समझ में आ रहा है क्या बोला मैं। तो बोलने का मतलब है हीट के वजह से क्या होता है, एक्सपांशन मेटल्स में बरा, उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल एक्सपांशन। किसमें आ जाएगा, समझा। तो इस चैप्टर में जो पार्ट है थर्मल एक्सपांशन उसका मैं तुमको डेरिवेशन कराता हूँ। उसमें सबसे पहला पार्ट है कि हम लोग यहाँ पे अलोंग द लेंथ एक्सपांशन करें। किसकी कहाँ एक्सपांशन करें बताओ, अलोंग द लेंथ। तो क्वेश्चन मेरा ऐसा है लीनियर एक्सपांशन, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। कोएफिशिएंट ऑफ कौन सा एक्सपांशन, लीनियर, लीनियर एक्सपांशन। अब इसका मतलब क्या है बताता हूँ, देखो तुमको एक्सपांशन का मतलब तो मालूम है, बढ़ जाता है। लीनियर का मतलब अलोंग द लेंथ बढ़ेगा बराबर। अब कोएफिशिएंट वो तो इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, जब मैं डेरिवेशन कराएगा तुमको समझेगा कोएफिशिएंट मतलब क्या। लीनियर एक्सपांशन मतलब समझ आता है क्या, लीनियर एक्सपांशन मतलब जब हीट देंगे मेटल को तो वो अगर अलोंग द लेंथ एक्सपांशन करता है तो वो किस में आ जाएगा, लीनियर। अगर अलोंग द एरिया एक्सपांड हुआ तो एरियल एक्सपांशन, और अलोंग द पूरा का पूरा अक्खा वॉल्यूम एक्सपांड हुआ तो वॉल्यूम एक्सपांशन, समझा। 3 एक्सपांशन तुमको आज सिखाएगा मैं, लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन और वॉल्यूम एक्सपांशन। स्टार्ट करते हैं, देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके डायग्राम से बराबर। तो क्या लगता है तुमको, लीनियर एक्सपांशन हो रहा है ना, अलोंग द लेंथ हो रहा है, तो मैं एक रॉड लूँ, रॉड, रॉड समझा, रॉड, रॉड में अगर एक्सपांशन हुआ तो अलोंग द लेंथ एक्सपांशन होने वाला है बराबर। चलो मैं एक रॉड एज्यूम करता हूँ, एक समझो डायग्राम में हमने एक सिंपल सा एक रॉड लिया है बराबर, ऐसा कुछ, ये है वो रॉड, समझा। ये क्या है, ये हमारा रॉड मेटल का बना हुआ है, किससे बना है, मेटल रहेगा बराबर। हीट गिरेगा तो एक्सपांशन दिखाएगा, दिखाएगा, मेटल पे हीट गिरता है तो एक्सपांशन होता है मेटल। चलो हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द रॉड एट 0°C बी एल नॉट। ये जो मैंने एल नॉट लिखा, नॉट मतलब जीरो, नीचे जो जीरो लिखा है ना उसको बोलते हैं एल नॉट बराबर। ये एल नॉट क्या है, एल नॉट इज द लेंथ ऑफ द रॉड, कब, लेकिन कब, एट 0°C, मतलब सबसे छोटा टेम्परेचर पे जो ये रॉड का तुम्हारा लेंथ है वो कितना है,
जीरो डिग्री सर, समझा, जीरो मतलब फ्रिज, फ्रिज का टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर घर पे होगा ना, हाँ उसका जो टेम्परेचर होता है वो जीरो डिग्री, समझो रॉड को फ्रीज के फ्रीजर के अंदर रखा था बराबर, और निकाला तो उसका जो टेम्परेचर है वो जीरो डिग्री सेल्सियस, समझ में आ रहा है बराबर। अब मैं इसको हीट कर रहा हूँ, क्या करेंगे हम लोग इसको हीट कर रहे हैं, अब इसको हीट करेंगे तो पहले तो नॉर्मल, पहले जीरो डिग्री से था, टेम्परेचर बढ़ेगा कि और नीचे जाएगा, बढ़ेगा ना, अरे ठंडा हो रहा है मतलब नीचे नीचे जाता है टेम्परेचर बराबर, और हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है, जीरो से बढ़ते बढ़ते जाएगा, पहले रूम टेम्परेचर पर आएगा, फिर कंटिन्यूसली फिर भी हीट करे तो गर्म होने चालू करेगा, अभी अभी गर्म होगा ना, अरे रॉड गर्म होएगा, हीट करे तो गर्म होने वाला, और क्या होने वाला है, और जब कंटिन्यूस हीट वगैरह कर रहे तुम लोग तो ये रॉड में थोड़ा सा क्या आ जाता है, एक्सपांशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वो क्या होता है थोड़ा सा बढ़ जाए, देखो तो थोड़ा सा इसका लेंथ जो बढ़ता है, समझो मैं ऐसा लेता हूँ यहाँ पे, इसका जो लेंथ है उसका एक्सपांशन देखो कैसे हुआ है, ये दिखाई दे रहा है तुमको डॉटेड लाइन, समझा रहे सर, दिख रहा है क्या वो तुमको, दिख रहा है बराबर ना, हाँ तो इतना बढ़ गया रॉड, कब बढ़ा बताओ, जब हीट किया है, हीट नहीं करते तो बढ़ता था क्या, नहीं तो नहीं बढ़ता था, तो अब क्या लेंथ एल नॉट ही है कि चेंज हो गया लेंथ, चेंज हो गया, अब लेंथ चेंज हो गया, लेट एल टी, टी समझ में आ रहा है, टी ये नया लेंथ है, पहले लेंथ कितना था एल नॉट, लेट एल टी बी द लेंथ ऑफ द रॉड एट टी डिग्री सेल्सियस, जब तुम्हारे ये जो रॉड है इसका तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, पहले टेम्परेचर बोलो कितना था, पहले जीरो था, जीरो से बढ़ाते बढ़ाते गए, बढ़ाते बढ़ते गए कहाँ तक गए, टी डिग्री सेल्सियस, टी मतलब कोई तो एक टेम्परेचर रहेगा, 200 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री जो भी रहेगा, समझ में आ रहा है, तो मैंने पहले जीरो पे मेरा जब ये कंडक्टर या फिर जो भी मेटल है इसका जब टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस था तो लेंथ कितना था एल, अरे ध्यान दे रहे के सो रहे हैं, ध्यान दे रहे ना, लेट एल नॉट बी द लेंथ ऑफ द रॉड एट जीरो डिग्री सेल्सियस बराबर, व्हेन इट इज हीटेड बराबर तो क्या होता है उसका एक्सपांशन, एंड दस एल टी इज द लेंथ ऑफ द रॉड एट टी डिग्री सेल्सियस, समझा, दो समझ में दो चीज क्या हुआ यहाँ पे, चलो तो मेरे को बताओ फटाफट ये रॉड वगैरह का लॉजिक समझ में आ गया ना, क्या क्या हुआ यहाँ पे, बताओ अगर मैं यहाँ पे एल नॉट लिखता हूँ तो एल नॉट का मतलब क्या है, ये क्या है, ये लेंथ है बराबर ना, ओरिजिनल लेंथ बोल सकते हो, इनिशियल लेंथ बोल सकते हो, समझा, ऐसा बहुत सारा नाम है, तो इनिशियल लिखता हूँ चलेगा ना, इनिशियल क्या, इनिशियल क्या बताओ, इनिशियल करंट है, क्या है, क्या ये लेंथ है, इनिशियल लेंथ किसका, ऑफ रॉड कभी एट जीरो डिग्री से, समझा रहा है एल नॉट क्या है, सबको दिखाई दे रहा है पीछे से उतना बराबर, तो एल नॉट समझा क्या है, चलो आगे बढ़ते हैं, एल टी बताओ क्या एल टी इनिशियल लेंथ है, फाइनल लेंथ है ना, अभी जो आया ना, हाँ तो एल टी बोलो क्या है, ये एल टी इज द फाइनल क्या लेंथ किसका ऑफ रॉड कभी एट टी डिग्री से, समझ आ रहा है क्या हो रहा है, एल नॉट एल टी समझ में आ गया बराबर, चलो मेरे को कोई बताओ इसमें कि तुम्हारा जो रॉड है जो पहले एल नॉट था फिर वो बढ़ के एल टी हो गया तो इसके लेंथ में कितना चेंज आया, इसके लेंथ में कितना चेंज आया, एल टी माइनस एल नॉट, जो फाइनल लेंथ है उसमें से इनिशियल लेंथ को माइनस करो तुमको मालूम पड़ेगा ना कितना चेंज आया, समझ में आ रहा है, तो अगर कोई तुमको पूछे व्हाट इज द चेंज इन लेंथ ना किसका ऑफ रॉड, इधर कोई टेम्परेचर नहीं आएगा तो चेंज हुआ ना, चेंज इन द लेंथ ऑफ रॉड बोलो क्या रहेगा, एल नॉट को एल टी से माइनस करो कि एल टी को एल नॉट से माइनस करो, क्यों क्यों ऐसा क्यों, बड़ा माइनस छोटा किया जाता है हमेशा बराबर, तो बोलो यहाँ पे लिख दूं मैं एल टी माइनस एल नॉट चलेगा, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, अभी तक समझा क्या क्या हुआ है, बताओ एल नॉट क्या था, इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड, बोलो एल टी क्या था, फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड, व्हाट इज एल टी माइनस एल नॉट, चेंज इन द लेंथ ऑफ रॉड व्हेन इट इज हीटेड ना, जब उसको हीट किया तभी ऐसा, समझा इतना क्या क्या हुआ है बराबर, अच्छा आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज टी नॉट, टी नॉट बोलोगे, अच्छा टी नॉट से पहले ऐसा कर सकते हैं, देखो मैंने क्या बताया कि एल नॉट जो तुम्हारा लेंथ है वो कब था बताओ, जीरो, जीरो डिग्री मतलब इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल को मैं जीरो के जगह पे ना यहाँ पे तुमको चाहिए तो जीरो लो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं यहाँ पे टी नॉट ले लूँ क्या, टी नॉट, टी नॉट मतलब इनिशियल, मैं इनिशियल को मैंने बताऊँ मैंने इनिशियल टेम्परेचर क्या लिया था जीरो, तुम लोग इनिशियल टेम्परेचर को जीरो के जगह पे दूसरा भी कुछ ले सकते हैं, बोलो क्या ले सकते हैं हम लोग टी नॉट भी ले सकते हैं बरा, समझ में आ रहा है क्या है, तो बोलो टी नॉट क्या रहेगा तुम्हारे हिसाब से, टी नॉट क्या रहेगा,
इनिशियल है, इनिशियल लेंथ है, टेम्परेचर ना, इनिशियल क्या है ये किस, अच्छा इनिशियल टेम्परेचर जो मैंने पहले बताओ कितना एज्यूम किया था इनिशियल टेम्परेचर को, पहले कितना है, पहले जीरो लिया था पर उसको नाम मैंने चेंज करे टी ले, टी नॉट ले लिया, तो टी नॉट बोलो तुम्हारा क्या है, इनिशियल लेंथ ना, इनिशियल लेंथ ना क्या, हाँ इनिशियल टेम्परेचर है ना ये, इनिशियल टेम्परेचर किसका, ऑफ रॉड ना, उस टाइम पे जब लेंथ एल नॉट था उस टाइम पे उसका टेम्परेचर मैंने जीरो बोला था, जीरो के जगह पे टी नॉट ले लो, उसमें क्या है टी नॉट भी तो इनिशियल है ना, इनिशियल टेम्परेचर ठीक है चलो, फिर टेम्परेचर को तुमने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया ना, और टेम्परेचर लोग कहाँ तक ले गए टेम्परेचर को बढ़ा के, टी याद है बताया था टी डिग्री, जीरो से बढ़ा के टी तक, मैंने खाली जीरो का नाम चेंज किया, जीरो के जगह मैंने क्या लिख दिया टी नॉट, बोला गर्म होता रहेगा थोड़ा आगे आके बैठ जाओ यहाँ पे, अगर नहीं गर्म होता रहेगा तो इधर बैठ जाओ यहाँ पे, चाहिए तो बोलो एक दूसरा क्या था बताओ, एक आगे टेम्परेचर बढ़ा के बोलो कहाँ तक लेके गए, टी ना, टी बताओ क्या था, टी क्या है फाइनल ना, फाइनल टेम्परेचर किसका, फाइनल टेम्परेचर रॉड का रहेगा बराबर, तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द रॉड या फिर फाइनल टेम्परेचर लिखेंगे तो भी चलेगा, फाइनल टेम्परेचर, समझ में आ रहा है सबको क्या हो रहा है ये, समझा, तो हमारा एल नॉट बोलो एक बार फिर से क्या कहता है, बिना देखे बोलो, देखने की जरूरत नहीं, बोलो क्या, इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड एल टी, फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड, और एल टी माइनस एल नॉट चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड, फिर टी नॉट इनिशियल टेम्परेचर टी, एक बात याद रखो ये टी नॉट को तुम लोग डिग्री सेल्सियस में ले सकते हो और केल्विन में भी ले सकते हैं, तुम्हारी मर्जी बराबर, समझाइए क्या क्या हुआ, ये डायग्राम समझाया, ये सब जो जो लिखा है भी समझ में आ गया, अब चलो मैथमेटिक्स चालू करते हैं, समझा तुमको पॉइंट्स, देखो सबसे पहला पॉइंट में तुमको यहाँ बनाना है डायग्राम, सबसे पहले तुम बनाएंगे डायग्राम, डायग्राम पहले बनाओ, फिर डायग्राम के बाद जो भी कुछ मैंने लिखा है ये सब कंस्ट्रक्शन में आएगा, ये सब किस में आएगा, या फिर ठीक है चलो इसके अंदर लिख दो तो भी ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ पे है, अब हम लोग कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करते हैं, डेरिवेशन करने जा रहे हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, सबको याद है अभी तक क्या क्या बताया मैंने, याद रहेगा तो बहुत ईजी है डेरिवेशन, जैसा मैं एक कराएगा ना तीन का तीनों डेरिवेशन वैसे वैसे है, जैसा जो भी स्टेप्स यहाँ पे आ रहा है सेम स्टेप्स आगे दो डेरिवेशन में भी आने वाला है, तो एक समझा अपने आप दो आ गया समझो, बरा चालू करते हैं, हाँ तो प्रैक्टिकली ऐसा प्रूव किया गया है कि जो चेंज इन द लेंथ है ना, जो लेंथ में जो चेंज हुआ वो डिपेंड कर रहा था उसके ओरिजिनल लेंथ पे, किस पे डिपेंड कर रहा था, सर मैंने क्या बोल रहा है बरा, प्रैक्टिकली इट इज प्रूव्ड बरा या फिर प्रूवन दैट द चेंज इन द लेंथ वॉज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ, मतलब जो लेंथ में बढ़ा, जो लेंथ में चेंज हुआ वो किस पे डिपेंड किया, कि ओरिजिनल लेंथ कितना था उस पे डिपेंड किया, समझ में क्या बोल रहा है, मैंने अभी तक लिखा नहीं, खाली पहले सुनो फिर लिखता हूँ, फिर सेकंड चीज एक और मालूम पड़ा कि जो चेंज इन द लेंथ है ना वो एक और चीज पे डिपेंड करता है, बताओ पहले किस पे डिपेंड कर रहा था, ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड किया, फिर दूसरा जो है ना वो डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर, कितना तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, समझा मैं क्या बताया, बराबर प्रैक्टिकली इट इज प्रूव्ड दैट द चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ या फिर इनिशियल लेंथ, बोलो तुम्हारी मर्जी, अरे इंग्लिश तो है ना बराबर, एंड इट इज ऑल एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन दैट, अच्छा वो लिखा नहीं मैंने, जरा कोई यहाँ बताओ मेरे को, जगह तो नहीं है, इधर ही बता दो, नीचे लिख देते, चलो तुमको इनिशियल टेम्परेचर मालूम है, अरे बोलो ना ऐसा क्यों शांत बैठ गए, इनिशियल टेम्परेचर मालूम है कितना है, टी नॉट है, फाइनल टेम्परेचर कितना है, तो बताओ टेम्परेचर कितना बढ़ाया तुमने, टी माइनस टी नॉट, फाइनल माइनस इनिशियल ना, हाँ तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी माइनस टी नॉट, जरा ध्यान से देखो टी माइनस, अगर मैंने टी नॉट लिखा इसका मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ध्यान दे रहे ना सब लोग यहाँ पे, हाँ तो टी माइनस टी नॉट का मतलब है चेंज किस में, चेंज इन टेम्परेचर, समझ में आ रहा है सबको, बरा ये मैंने रब कर दिया, चलो ठीक है नेक्स्ट नीचे लिख देते हैं, बोलो क्या कर रहे थे बताओ, वैसे हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अच्छा मैं कुछ तो इसमें तुमको बता दिया था शायद, कुछ तो एक पॉइंट बताया ना मैंने तुमको, क्या बताया बताओ, हाँ कि वो जो चेंज इन लेंथ है वो डिपेंड किस पे करता ना, ये बताया तुमको, अच्छा क्या मालूम पड़ा बताओ, चेंज इन लेंथ डिपेंड किस पे कर रहा था वैसे, हाँ चलो तुमको याद है चेंज इन लेंथ डिपेंड कर रहा था ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन लेंथ एक और चीज पे डिपेंड कर रहा था चेंज इन, जिसको किससे डिनोट करते हैं, अरे बोलो टीम, अभी तो लिखा ना चेंज इन टी माइनस टी नॉट,
याद है थियरी क्या है बरा, थियरी याद है बरा, प्रैक्टिकली इट इज प्रूव्ड इन थर्मल एक्सपांशन दैट द चेंज इन द लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आया मैं क्या बोला? याद है पॉइंट? बोलो जरा बोलो क्या था बताओ। प्रैक्टिकली इट इज प्रूव्ड इन थर्मल एक्सपांशन दैट दैट द चेंज इन द लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द टेम्परेचर। याद है ना? बोलो बताओ, थोड़ा स्लो स्लो बोलना, बोलो क्या था बताओ। प्रैक्टिकली ना, प्रैक्टिकली करके देखा गया तो मालूम पड़ा, प्रैक्टिकली इट इज प्रूव्ड, हमने ऐसा प्रूव किया गया, प्रूव्ड कहां? इन थर्मल, क्या थर्मल, क्या थर्मल एक्सपांशन, इन थर्मल एक्सपांशन दैट क्या प्रूव किया गया बताओ, दैट जो लेंथ में चेंज हो, दैट द चेंज इन द लेंथ, चेंज इन द लेंथ क्या है, ये इज, ये डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, याद है दो चीज को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दो चीज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, बताओ पहला किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ ना इस डायरेक्ट, देखो ये थियरी पे तुम्हारा आगे का मैथमेटिक्स, इसके लिए ध्यान से देखना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड सेकंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू चेंज इन, क्या आएगा, चेंज इन टेम्परेचर। तुमको दोनों चीज मालूम है ना क्या कैसे डिनोट किया है, बराबर याद है ना सब? चलो स्टार्ट करते फिर आगे। हाँ पॉइंट क्लियर हुआ है, बोलो क्लियर है पॉइंट? ओके आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दो, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट से मैथमेटिक्स चालू करते, जरा ध्यान से देखना एकदम अच्छे से, चालू करें देखो, तो क्या लिखा है बताओ, प्रैक्टिकली इट इज प्रूव्ड दैट इन थर्मल एक्सपांशन दैट क्या, क्या दैट कौन कौन, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ जरा देखो बताओ, चेंज इन लेंथ क्या है, इसको तो बोलते हैं एल टी माइनस, यही है ना चेंज इन लेंथ, अरे यही है चेंज इन लेंथ, ये किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओरिजिनल लेंथ तो एल नॉट होता है, उसको डायरेक्ट समझाता है ना सबको, इतना तो मैं सिखा दिया तुमको ना। एक और चीज तुमको बोलना पड़ा कि यही जो चेंज इन लेंथ है, द सेम चेंज इन लेंथ इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन, कैसे डिनोट किया था उसको, टी माइनस टी नॉट, बराबर है, समझ में आ रहा है, जरा देखो समझा है, एल टी माइनस एल नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट, एल टी माइनस एल नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस, क्या दोनों का तुमको एल एच एस सेम दिखाई दे रहा है, तो दोनों को एक कर दूं, बोलो ये दोनों को अगर मैंने मिला दिया तो ये बन जाएगा एल टी माइनस, अरे जो एल जो सेम चीज उसको एक ही बार लिखते हैं और जो अलग है उसको लिखना पड़ता है तुमको, एल टी माइनस एल नॉट लिख दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बोलो पहले किसको था, एल नॉट, फिर किसको था, टी माइनस टी नॉट, समझा, इतना समझ आया क्या बताओ, समझ में आ रहा है चीज, हाँ ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये सिंबल है ना उसका, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, ठीक है चलो थोड़ा आगे बढ़ते, जरा ध्यान देना अभी, तुमको मालूम है पहले सिखा दिया, बहुत कुछ सिखा दिया तुमको, जैसे ही ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है दो चीज आता है, इक्वल टू आएगा और ये सिखाया हुआ चीज है, बराबर चलो लेके आते हैं, देख तो दिस एल टी माइनस एल नॉट ये हटा दिया ना मैंने, इसको हटा दिया, बोलो क्या आएगा, इक्वल टू, और क्या आएगा, कॉन्स्टेंट है अल्फा, कॉन्स्टेंट क्या है, बाकी तो एसिडिटी रहता है, बाकी एसिडिटी रहता है ना, बोलो क्या बचा बताओ, एल नॉट टी माइनस टी नॉट, जरा एक क्वेश्चन का आंसर दो बरा, ये क्या था बताओ, ये क्या था, ये वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, ये क्या है, कॉन्स्टेंट ना, प्रोपोर्शनलिटी के हटने की वजह से आया है, तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, ऐसा ही होता है ना, बोलो मालूम है, याद इसको नहीं मालूम समझो, ये तुम्हारा प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल था, जब भी ये सिंबल हटेगा तुमको इक्वल टू और कॉन्स्टेंट लाना पड़ेगा, इस बार तुम्हारा कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट जैसा दिखता है वैसे ही तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन दोनों में फर्क है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है, समझा, बोलो हाँ, तो ये जो अल्फा मिला है तुमको, अल्फा, ये अल्फा के बारे में देखते हैं, दिस अल्फा बरा, इसको क्योंकि कहां किसके हटने की वजह से आया बताओ जरा, ये हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हटने की वजह से आया, तो इसको तुम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट ऐसा बोल सकते हो, बरा वैसे हो तो हर एक कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट ही रहता है, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं किस में एक्सपांशन हुआ बताओ जरा, लीनियर, लीनियर एक्सपांशन हुआ तो हमको एक कोएफिशिएंट मिला यहाँ पे, इसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, क्या बोलेंगे इसको,
समझा क्या करने जा रहे थे हम, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ना, सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, बोलो। तो अल्फा तुमको समझा क्या है, अल्फा, अल्फा का दो नाम, एक्चुअल में नाम सेकंड वाला है बरा, वो तो मैंने ऐसा लिखा है। अल्फा को एक्चुअल में क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। वैसे हर एक कांस्टेंट को तुम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझा। बोलो क्वेश्चन क्या, पढ़ो जरा। मतलब तो जो क्वेश्चन रहता है वही तुमको चाहिए रहता है, तुमको कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन मतलब अल्फा चाहिए ना, तो इस ऊपर वाले इक्वेशन से अल्फा को अलग करो पहले, अल्फा अलग करने आएगा। अरे जो भी चीज उसके बाजू में उसको यहां से हटाना पड़ेगा, ये इधर इनटू में, तो वहां जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना। तो बताओ अल्फा क्या मिलेगा, बताओ अल्फा, बोलो अल्फा का आंसर क्या रहेगा, ये वाला पार्ट इसके नीचे आ जाएगा। तो बोलो क्या है हमारे पास, एल टी माइनस एल नॉट अपॉन, हाँ अपॉन क्या आएगा, अपॉन एल नॉट टी माइनस टी नॉट। समझा सबको ये क्या किया मैंने यहाँ पे, बोलो समझ में आया, नहीं दिख रहा तो खड़े को देख लो, ट्राई करो, समझा ये क्या हुआ है, बोलो। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे किसका आंसर निकाल दिया बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ निकाल दिया ना, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। अब इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा तुमको, इसको डिफाइन भी करना है हमको, ठीक है चलो इसको डिफाइन भी करते, देखो जरा ध्यान से, बहुत इजी है ऐसा डिफाइन, मैंने तुमको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, किधर मालूम है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस में पढ़ाया, सेम ऐसा ही आंसर आया था, ये अल्फा भी उधर वही था, याद है क्या, यही था उसका डिफाइन, एग्जैक्ट यहाँ पे मैच होएगा, ध्यान से देखना। देखो क्या बोलते हैं बताओ ये इसको, अरे हंसो क्यों, इधर देखो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, बराबर है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन क्या है, एल टी माइनस एल नॉट को जरा बताओ क्या बोलते हैं, चेंज इन लेंथ, ये क्या बोलते हैं इसको, इनिशियल लेंथ या फिर ओरिजिनल लेंथ, ये क्या है, या फिर इसको राइज इन टेम्परेचर बोलू चलेगा, राइज इन मतलब टेम्परेचर बढ़ाया, राइज इन टेम्परेचर, फॉल इन टेम्परेचर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, हो सकता है कि इधर हो सकता है, अरे ठंडा करेंगे तो बड़ा बढ़ेगा क्या वो, समझा ना, अरे गर्म करेंगे तभी तो एक्सपांशन होगा, थर्मल एक्सपांशन बढ़ रहा है अपन, समझा। तो वो इसको मैं राइज इन टेम्परेचर बोलू चलेगा, एक बार फिर से, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, राइज इन टेम्परेचर, मैं ये सब वर्ड बोलने वाला इसलिए तुमको पहले बता दिया, जरा ध्यान सुनो, सुनो फिर बोलना बात, पहले सुन लो अच्छे से। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, समझ हमने क्या बोला, फिर से एक बार सुनो फिर बोलना, अभी नहीं पहले सुन लो ध्यान से। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, बराबर है ना, बोलो बोलो साथ में बोलना, बोलो सब लोगों को बोलना पड़ेगा, कोई शांत मत बैठना, बोलो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, समझा याद है, चलो तो इसका डिफाइन भी लिख लेते, कितना दो पॉइंट हो गया ना, समझ में आ रहा है सबको क्या कर रहे हैं हम लोग। पॉइंट नंबर थ्री, बोलो तुमको डिफाइन बोलने का, किसका डिफाइन, ये जो बताया अभी तुमको, स्लो बोलो, बोलो क्या था, कोएफिशिएंट किसका, कोएफिशिएंट किसका ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन क्या होता है, इज डिफाइंड ना, इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, चेंज किसमें, चेंज इन, पहले लेंथ में चेंज होता, ऊपर देखो ना, चेंज इन लेंथ, फिर पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, उसके बाद पर डिग्री क्या, समझा राइज क्यों बोला, बढ़ रहा है ना, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, समझा सबको, बोलो क्लियर है सब कुछ, बराबर। अब इसके बाद इसका एसआई यूनिट भी लिख ही लेते हैं, एसआई यूनिट बराबर, तो एसआई यूनिट जरा मालूम है एसआई यूनिट बनाते कहाँ से, फॉर्मूला से, फॉर्मूला को देखो बनाते हैं, फॉर्मूला किधर गया, फॉर्मूला इधर, फॉर्मूला इधर ना, बहुत सिंपल है, कुछ हार्डवर्ड नहीं था, बहुत सिंपल, बताओ लेंथ का यूनिट क्या रहता है, मीटर, एक लेंथ को समझो, कोई तो समझो पाँच मीटर है, पाँच मीटर माइनस तीन मीटर कितना आएगा, मतलब मीटर ही आया, मतलब लेंथ को लेंथ से माइनस करेंगे तो कुछ तो लेंथ मिलेगा, बराबर, मतलब बताओ ऊपर का यूनिट बताओ क्या रहेगा, ऊपर मीटर आएगा, इधर बताओ क्या आएगा, एल नॉट भी तो लेंथ है, नहीं समझ आ रहा है,
अरे एल दिखा मतलब मीटर, मीटर माइनस मीटर जीरो नहीं होता है, कुछ तो मीटर को कुछ तो मीटर से माइनस करेंगे तो कुछ तो मीटर मिलेगा, समझ आ रहा है? हाँ, तो ऊपर मीटर है नीचे भी क्या है मीटर, और टेम्परेचर को टेम्परेचर से माइनस करेंगे तो कुछ तो टेम्परेचर मिलेगा। मैंने क्या बताया, टेम्परेचर के डिग्री सेल्सियस या तो केल्विन लो, मैं डिग्री सेल्सियस लेता है, क्योंकि डिफाइन में बोला पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, समझ में आ रहा है? इसके लिए जरा ध्यान से देखो, मैं इससे बनाता ना, देखो क्या निकालने जा रहा बताओ हम लोग, एसआई नोट निकालते हैं। किसका एसआई नोट निकाल रहे हैं? अल्फा का, अल्फा निकाला ना, जिसका फॉर्मूला उसका यूनिट। तो लेंथ माइनस लेंथ, लेंथ आएगा, लेंथ का यूनिट बोलो क्या होता है, ऊपर मीटर आएगा, नीचे भी एक लेंथ बोलो इसका यूनिट क्या रहेगा मीटर, और टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर तो टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर यूनिट क्या होता है डिग्री सेल्सियस या तो केल्विन ले लो, तुम्हारी मर्जी। समझा क्या? मीटर मीटर कैंसिल हो रहा है, अरे कैंसिल हो रहा है क्या, मीटर मीटर कैंसिल, तुमको क्या मिलेगा बताओ, ऐसा यूनिट वन अपॉन डिग्री सेल्सियस, मतलब पर डिग्री सेल्सियस बोलेंगे ना इसको, यही डिग्री सेल्सियस अगर ऊपर चले गया तो रेस टू माइनस वन, इतना फिजिक्स सिखा दिया तुमको, बराबर डिग्री सेल्सियस रेस टू क्या आएगा, समझा? बोलो समझ में आ रहा है कि खाली हाँ हाँ बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? समझा कैसे किया पहला क्वेश्चन इधर तक, ये सिक्स समझा, यही छः का छः पॉइंट तुमको आगे के दो डायरेक्शन में देखने मिलेगा। समझा क्या हो रहा है पूरा कट्टू कट पूरा याद है? चलो नेक्स्ट चालू करते फिर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर टू बताओ, पहले किस में एक्सपांशन किया बताओ, मैंने लेंथ में किया, बोलो आप किधर करूँ, एरिया बता दिया तुमको, और तीसरा किस में करेंगे, वॉल्यूम में करेंगे, तो बोलो नाम क्या आएगा, अरे क्वेश्चन भी याद होना चाहिए हमको, हाँ कोएफिशिएंट ऑफ क्या, एरियल एक्सपांशन, या तो एरिया एक्सपांशन है, एरियल एक्सपांशन चलता है, एरियल एक्सपांशन चलेगा, जैसे इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं बीटा से, समझा? अब मैं तुमको ये बार बार डिफाइन लिख के नहीं दिखाया, क्योंकि तुमको एक बार दिखा दिया, अब तुमको समझ आ गया, अब खाली बोलेगा, समझा? वो तुम लोग खुद से लिख लेना, लिख लेंगे ना, हाँ। तो जरा सोचो, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन है, मतलब एक्सपांशन किस में होने वाला है, एरिया में होगा एक्सपांशन, तो कुछ एक ऐसा ज्योमेट्री लेना पड़ेगा जिसके पास एरिया है, अरे तब इसके पास लेंथ था तभी तो लेंथ में एक्सपांशन हुआ ना, अभी मेरे को एरिया में एक्सपांशन करने का मतलब मेरे को एक ऐसा ज्योमेट्री लेना पड़ेगा जिसके पास क्या होना चाहिए, एरिया। चलो चालू करते थे, जरा ध्यान से देखो, तो एरिया में एक्सपांशन करते हैं, तो हाँ स्टार्ट करते हैं, बोलो क्या लू, स्क्वायर ले लू, स्क्वायर के पास एरिया होता है, होता है कि नहीं, बोलो फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, अरे इतना नहीं आता है, आता है ना, हाँ ध्यान से देखो, फर्स्ट पॉइंट डायग्राम, बात नहीं होना चाहिए लेक्चर के बीच में, डायग्राम, हाँ ध्यान से देखो, तो एक मैं स्क्वायर एज्यूम करता हूँ, स्क्वायर प्रॉपर नहीं भी आया तो भी समझ लो कि वो स्क्वायर है, बड़ा स्क्वायर ना, बड़ा हो गया, चलो ठीक है, एक और देखो, एक्चुअल में स्क्वायर ये था, दिखाई दे रहा अंदर, ये पहले स्क्वायर था, जैसे पहले लेंथ क्या था एल नॉट, वैसे पहले जो एरिया था वो क्या रहेगा, ए नॉट, जो पहला लेंथ एल नॉट था वो कितने टेम्परेचर पे एल नॉट था, अरे भूल गए, जीरो बोला था क्या, चेंज किया था ना उसको, तो ए नॉट जो है एरिया ये कब है, टी नॉट डिग्री सेल्सियस पे ना, अरे भूल गए क्या, जल्दी अभी तो सिखाया ना, बोला ना ये सब लगेगा तुमको आगे लाइन से, तो बताओ ए नॉट को क्या बोलेंगे, इधर देख के बोल सकते हो, बोलो ए नॉट क्या बोलेंगे, इनिशियल लेंथ, लेंथ ना एरिया ना, हाँ ए नॉट मतलब इनिशियल एरिया, टी नॉट क्या रहेगा, वो तो टेम्परेचर, टेम्परेचर वो थोड़ी मटर पर डिपेंड करता है, बरा टेम्परेचर टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर, गर्म करेंगे तो एक्सपांड होगा कि ठंडा करेंगे तो एक्सपांड होगा, गर्म हीट देना पड़ेगा ना, तो इसको हीट दिया और इसका एरिया में एक्सपांशन आ गया, बराबर जो नया एरिया मिला वो ये है 80, ये दिखाई दे रहा है, ये बाद में एरिया हमको मिला हीट करने के बाद, हीट करने से पहले सिर्फ इतना था तुम्हारे पास, समझ आ रहा है, हाँ ये एरिया भी तो कोई टेम्परेचर पे रहेगा, कितना टेम्परेचर तक हीट किया तुमको 80 मिला, था ना इधर क्या 80 तक ना, टी तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर है, समझ में आ रहा है सबको, जम रहा है ना, हाँ डायग्राम समझा क्या, इतना ही तो है,
तो चलो फटाफट फटाफट आगे वाला बताओ मेरे को। मैं तुमको टोटल छः का देखो, छः छः पॉइंट हमको लिखना पड़ेगा। ये सोच के रखो इसमें क्या क्या आने वाला। ए नॉट मानो तुमको, ए नॉट क्या है? ए नॉट बोलो क्या रहेगा, याद है मतलब ना इनिशियल वगैरह। और ए टी फाइनल एरिया, ए टी माइनस ए नॉट चेंज इन लेंथ एरिया, चेंज इन एरिया। फिर उसके बाद टी माइनस टी नॉट चेंज इन टेम्परेचर। ये तो सिंपल सिंपल चीज। चलो बताओ फटाफट क्या था। ए नॉट इनिशियल या तो ओरिजिनल, इनिशियल एरिया। आगे ए टी फाइनल एरिया। अरे सब अभी आ गया ना तुमको समझ में, अभी आ गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ए टी उसके बाद टी नॉट बोलो इनिशियल क्या, प्रेशर टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर। टी फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर। और कुछ है इसमें चेंज, फिर इसमें चेंज, छः निकालते ना, छः निकाला ना पहले। तो क्या था क्या, हाँ ए टी ना, ए टी माइनस ए नॉट चेंज इन एरिया, बराबर है। उसके बाद बोलो टी नॉट माइनस टी, मालूम है क्यों नहीं करते ना, छोटा माइनस थोड़ी बड़ा टेम्परेचर करते, बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर ना, बोलो चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आ गया सबको? आगे वही गेम जो पे अभी तक किया ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझाइए। अरे यही लिखने वाला हूँ, कुछ नया नहीं करने वाला, यही करेंगे बरा। चलो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। डायग्राम हो गया सबको समझाए, डायग्राम ये जो भी लिखा सबको समझ में आ गया ना। अब हम लोग करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सोच के रखो स्टेटमेंट क्या रहेगा, ये जैसे स्टेटमेंट यहाँ पे है ना, ऐसा स्टेटमेंट खुद सोच के रखो, फिर जब मैं पूछूं तो बताना। देख लो एक बार, देख लो और सोच के रखो, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, खुद दिमाग चलाओ और बताओ वहाँ पे स्टेटमेंट में क्या चेंज होएगा थोड़ी देर मेरे को जब पूछूंगा तब। आएगा ना बनाने? अरे बना सकते ना, इतना तो सिखा दिया तुमको, आना चाहिए इतना तो। बोलो बोलो हाँ प्रैक्टिकली, रुक जाओ प्रैक्टिकली। इट इज प्रूव्ड, क्या प्रूव किया तुमने, प्रूव्ड दैट, हाँ अच्छा इन ना, प्रूव्ड दैट नहीं, प्रूव्ड दैट नहीं आएगा, प्रूव्ड इन, पहले बताना पड़े कहाँ, इन थर्मल एक्सपांशन, बरा थर्मल एक्सपांशन, ठीक है। आगे बोलो दैट, क्या दैट, चेंज इन, किस में चेंज करा रहे, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको, दो चीज को, दो चीज को, दो चीज को, बोलो पहला क्या, ओरिजिनल एरिया ना। अच्छा डिनोट किसे करते हो ओरिजिनल एरिया को, कि ए टी, ए नॉट से ए टी बना कि ए टी से ए नॉट बना, ए नॉट से ए टी बना, ओरिजिनल मतलब ए नॉट। एक और चीज है तुम्हारे पास, याद है टेम्परेचर में चेंज, मतलब चलो टेम्परेचर में कुछ चेंज नहीं कर रहे, टेम्परेचर वही लेके चल रहे कभी, चेंज इन टेम्परेचर क्या, टी माइनस करने आता है क्या मैथमेटिक्स, करेंगे ना, एक ही कराया तुमको। चलो बताते फटाफट जल्दी जल्दी, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, बोलो लिखूँ क्या, रुक जाओ एक एक जन बोलो देखते, ये समझा क्या सबको, ये बताने आएगा अगर मैं पूछूँ तो, अरे आना चाहिए ना। जिधर मैं एल टी माइनस एल नॉट किया तुम लोग क्या करेंगे बताओ, आएगा ना फिर तो पूछू आएगा वेदांत, चल बता फटाफट इधर देख और बता मैं क्या करूँ, ए मुंह बंद रखो बताओ बात, हाँ ए टी माइनस ए नॉट, ये क्या स्टेटमेंट है प्रैक्टिकल, देखो चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया मतलब क्या होता है, चेंज इन एरिया मतलब ए टी माइनस ए नॉट, ये जो चेंज इन एरिया है ये पहले किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या ए नॉट, बस जिसको बोला वही बोलेगा, बीच मत बोलना। यही ए टी माइनस ए नॉट एक और चीज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अभिजीत एक और चीज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, क्या है वो, क्या लिखूं मैं, टी माइनस टी नॉट लिखो, बराबर है। अब ये दोनों को मिक्स करना पड़ेगा, तू बोल सुजीत क्या लिखूं, लिखूं क्या बताना, ये दोनों को मिक्स करने का है, ए टी ए नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको आएगा, ए नॉट को आएगा और टी माइनस टी नॉट को भी आएगा, आता है ना तुमको तो, आ रहा है ना, नहीं जम रहा है, आता रहेगा। मिश्का प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो क्या क्या आता है, इज इक्वल अल्फा हो चुका, अब
अब बीटा इज इक्वल टू बीटा, अरे उस मिश का किसका नाम है तुम्हारा है, बोल 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 आगे क्या लिख, बीटा टी माइनस टी नॉट बराबर ना, क्या पढ़ रहे बताओ हम लोग। अच्छा ये नहीं लिखा, अच्छा ये ए नॉट बोल रही थी, मेरे को लगा ये तो बोल रही, ठीक है ठीक है, इज इक्वल टू बीटा ए नॉट टी माइनस, अब राइट है। अच्छा पढ़ क्या रहे बताओ, क्या रह गया कोएफिशिएंट ऑफ, मतलब बीटा, मतलब तुमको बीटा चाहिए, इधर अल्फा निकाला था ना। अच्छा जरा बताओ ये बीटा, बीटा कुछ लिखा नहीं, ये बीटा है क्या, वेर 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 रुक जाओ, वेर बीटा इज इक्वल टू, बीटा इज इक्वल टू बोलो, हाँ कोएफिशिएंट ऑफ एरियल ना, बराबर ना, हाँ कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन बराबर ना, उसको तुम लोग प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट बोलेंगे तो, लेकिन एक्चुअल नाम ये है, ये एक्चुअल अगर एग्जाम में है तुमको ये लिखना पड़ेगा, तो जैसे बता दिया मैंने, अगर ये सॉल्व करे तो इसका ही तुमको आंसर चाहिए बराबर। कृष्णकांत बोल बीटा का आंसर क्या रहेगा, बीटा बता रहे हैं, हाँ ए टी माइनस ए नॉट अपॉन ए नॉट टी माइनस टी नॉट, समझ आ रहा है क्या हो रहा है ये, समझा, अरे इससे मैच नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, क्योंकि ये भी कोएफिशिएंट है, ये भी कोएफिशिएंट है, तीनों मैच होएगा, तीनों मैच होने वाला है, समझ में आएगा, तीसरा भी मैच होएगा, समझा क्या हुआ है। चलो ठीक है, तो इसकी बात करते हैं क्या, हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं इसका ना, अरे जो निकाला है इसका डेफिनेशन भी तो लिखना पड़ेगा, ये बीटा को बोलेंगे क्या, कोएफिशिएंट ऑफ, बनाने आएगा डिफाइन, ये बोलो क्या है, चेंज इन एरिया, ओरिजिनल एरिया, अरे डिफाइन में क्या, राइज इंटर, डिफाइन में राइज लिखो ना, चेंज लिखेंगे तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं, रॉन्ग नहीं मिलेगा, ठीक है समझा, बोलेंगे स्लो स्लो बोलना, सब लोग बोलो, सबको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये सब आता हुआ है, ये सब चीज, रुक जाओ रुक तो जाओ, एक मिनट को बोलो बोलो स्टार्ट करो, कोएफिशिएंट किसका, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन क्या था, इज डिफाइंड एस, इज डिफाइंड एस चेंज इन एरिया, ठीक है आगे बताओ, पर यूनिट ओरिजिनल एरिया, आगे बताओ, पर डिग्री राइज, खाने वाला राइस नहीं है ये बढ़ने वाला राइस है, बढ़ रहा है वो वाला राइस है, पर डिग्री राइज इन, खाने वाला राइस होता आ रहा है, हाँ चलो इतना तो याद है तुमको, राइज इन टेम्परेचर, समझा क्या ये, इसके बाद भी कुछ करते हैं, क्या करते हैं, ऐसे ही नो निकालते हैं, चलो निकाल लेते इतना के, तो उसको भी निकाल लेते हैं, इधर जगह नहीं ऊपर निकालते हैं ना, एक ही क्वेश्चन और है खत्म, फिर बरा सबको समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है, ये ऊपर से तो नहीं जा रहा है, देख चलो एक लास्ट पॉइंट जरा इसका बताओ, लास्ट पॉइंट होता क्या है, ऐसा यूनिट ध्यान से देखना, कौन सा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, हाँ क्या निकालने जा रहे हैं बताओ हम लोग, हम लोग निकालने जा रहे हैं ऐसा यूनिट किसका, बीटा का, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन का, फॉर्मूला से निकलता है एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, किसका क्या होता है, अगर एक एरिया को दूसरे एरिया से माइनस करेंगे तो एरिया ही मिलेगा, बताओ मतलब ऊपर यूनिट क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है ऊपर बच रहा है हमारे पास मीटर स्क्वायर, क्या नीचे भी एक एरिया है, ए नॉट भी एक एरिया, उसका यूनिट ठीक है मीटर स्क्वायर, बाजू में टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट आएगा डिग्री सेल्सियस, समझा, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ जैसे पहले मीटर मीटर गए अभी क्या जाएगा, क्या बचा, वन अपॉन डिग्री सेल्सियस, या तो पर डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो, या तो डिग्री सेल्सियस रेस टू, समझा, समझ गया ना, समझा एरियल एक्सपांशन किया कैसे हम लोग ने, समझा ना आपको, एक लास्ट क्या है बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ, समझ में आ रहा है ना, इजी तो है आज का लेक्चर एकदम, क्वेश्चन नंबर थ्री बोलो क्या था वो, कोएफिशिएंट किसका ऑफ, वॉल्यूम एक्सपांशन, ये होता है गामा, क्या रहेगा ये, गामा अल्फा बीटा
गामा, फिर डेल्टा आता है, फिर एप्सिलॉन आता है, ए बी सी डी जैसा ऐसा है वैसे ग्रीक का भी है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा वीटा जो भी है, ठीक है। तो गामा के बाद आता है डेल्टा, देखो ऐसा होता है जैसे हम लोग ए लिखते हैं वैसे अल्फा होता है, जैसे बी लिखते हैं बीटा होता है, सी लिखते हैं गामा होता है, डी लिखते हैं डेल्टा होता है, बरा ई लिखते हैं बरा, तो वहाँ पे एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन ऐसा आगे के बहुत सारा ऐसा कुछ होता है बरा, ठीक है। चलो ये तुमको भाषा थोड़ी सिखाने का, मेरे को ये देखो, हाँ क्या हम लोग पढ़ रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ कौन सा एक्सपांशन, तो किस में एक्सपांशन होएगा, तो मुझे एक ऐसा ज्योमेट्री लेना पड़ेगा जिसके पास क्या हो, मान मैंने इतना, तो ठीक है चलो क्या लूँ, बोलो क्या ले लूँ, अरे बोलो क्यूब ले लो, क्यूब क्या क्यूब के पास वॉल्यूम होता है, क्या ये स्क्वायर के पास वॉल्यूम था, इसके पास क्या था, तभी तो एरिया में लिया ना मैंने उसको, रहा ठीक है चलो। तो यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, क्यूब ना, क्यूब थोड़ा डिफिकल्ट, जरा ध्यान दो, बात मत करो बीच में सब लोग, क्या है ये घर, क्यूब ना इधर जैसे लेंथ लिया, इधर क्या लिया एरिया, इधर क्या लो बड़ा, ये कुछ तो तुम्हारा इनिशियल वॉल्यूम है, कितने टेम्परेचर पे कि जीरो, दो बार गलती कर जाए टी नॉट लेंगे ना, जीरो लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे एक पॉइंट रह गया हमारा यहाँ पे, ठीक है तुमको लास्ट बता देता हूँ मैं, एक फॉर्मूला और पॉसिबल होता है बता देता हूँ लास्ट में, चलो अभी कर लेते हैं, इसमें बताता हूँ दो जगह पे और आए, एक और पॉइंट है सेवंथ पॉइंट भी है इसमें, सेवन मतलब इसके आगे भी एक फिफ्थ पॉइंट भी रहेगा, फिफ्थ पॉइंट इधर भी एक फिफ्थ पॉइंट, इधर तो जगह कर लेंगे, चलो ये करते हैं फिर बताऊँगा फ्लो फ्लो में। वॉल्यूम है ना इसके पास वॉल्यूम, हाँ कितने टेम्परेचर बताया बताओ, टी नॉट पे रहेगा उतना वॉल्यूम, बरा कितना लेंगे वॉल्यूम को, लेंथ को एल नॉट लिया, एरिया को ए नॉट लिया, वॉल्यूम को वी नॉट, हीट किया क्या किया, हीट करने से क्या इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, ये देखो देखिए जो कर रहा हूं ना मैं, ये इतना वॉल्यूम बढ़ रहा है समझो इसका, पहले से बढ़ गया क्या, जरा देखो वॉल्यूम बढ़ गया ना पहले से, जो पहले वॉल्यूम था उससे अब जो तुम्हारा नया वॉल्यूम आया है वो थोड़ा बड़ा है ना, बराबर ना, बराबर देखो बराबर ना, डॉटेड होना चाहिए, सॉलिड नहीं होना चाहिए, तो उतना ऐसा दिखाई दे, बराबर है ना, हाँ चलो वो तो बताओ जरा इसमें क्या क्या लिखना पड़ता है, इसका जो वॉल्यूम था पहले कितना था, वी नॉट बराबर था, कितने टेम्परेचर पे, टी नॉट डिग्री सेल्सियस पे, बराबर, जो नया वॉल्यूम तुमने बनाया उसका वॉल्यूम कितना रहेगा, वी टी रहेगा, कितने डिग्री सेल्सियस पे, समझा, अरे वही होने वाला जो इधर किया वही तीसरा भी वैसे ही है, पूरा वही रहेगा समझा, खाली इधर अल्फा इधर बीटा है तो उधर गामा आएगा, बराबर ना, चलो फटाफट जल्दी जल्दी बताओ, सबसे पहले होता क्या है वी नॉट, बताओ जल्दी फटाफट, इनिशियल क्या, इनिशियल सो तो नहीं गए ना तुम लोग, इनिशियल वॉल्यूम, फिर वी टी बोलो फाइनल वॉल्यूम, वी टी मतलब होता है फाइनल वॉल्यूम, वी टी मतलब फाइनल वॉल्यूम, इसके बाद टी बताओ, अच्छा एक मिनट पहले इनिशियल, टी नॉट क्या, इनिशियल टेम्परेचर, ये सब याद होना चाहिए तुमको, जब लेक्चर हो जाए तुमको पूछूंगा तब पूरा याद होना चाहिए तुमको, इनिशियल टेम्परेचर, ये इनिशियल टेम्परेचर है, ठीक है, टी क्या है, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, छः लिखते ना हम लोग, छः लिखते हैं, बताओ नेक्स्ट बताओ, हाँ वी टी माइनस क्या है ये, हाँ ये है चेंज इन वॉल्यूम, ये चेंज इन वॉल्यूम है बराबर, हाँ एक और है टी माइनस टी नॉट क्या, चेंज इन टेम्परेचर, बराबर चले ना अभी तक, नेक्स्ट समझा तक छः, आगे बताओ क्या होता है,
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करते हैं, डायग्राम सबको समझा है बराबर। अब करने जा रहे हैं हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, चलो स्टार्ट करते हैं। इजी है ना, हार्ड लग रहा है तुमको? ये इजी है सब, चलो देखते हैं फटाफट। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या रहेगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद है, इसमें क्या क्या होता है बोलो, क्या बताओ, सबसे पहला क्या लिखते हैं हम लोग, क्या 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 लिखते हैं? अच्छा अच्छा वो वाला, क्या वापस लिखना पड़ेगा अपने को? ठीक है, फिर याद रहेगा ना, फिर तो तुमको डायरेक्टली लिखते हैं बोलेंगे ना तुम लोग खुद से। ठीक है, थोड़ा स्लो बोलना, मेरे स्पीड से मैच होना चाहिए। बोलो क्या प्रैक्टिकली क्या इट इज प्रूव्ड, क्या प्रूव किया तुमने? प्रूव दैट इन 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 थर्मल एक्सपांशन, प्रैक्टिकली इट इज प्रूव्ड इन थर्मल एक्सपांशन क्या दैट चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल किसको किसको? पहला क्या बताओ, ओरिजिनल वॉल्यूम ना, ओरिजिनल वॉल्यूम। सेकेंड चेंज इन क्या आएगा, टेम्परेचर। ओके, चेंज इन टेम्परेचर बराबर ना, अभी तो आ जाएगा ना तुमको। इसके बाद बोलो क्या करते हैं, इसके बाद तो हमारा पूरा मैथमेटिक्स चालू होता है ना। जैसे वहां पे हम लोगों ने एल टी माइनस एल नॉट लिखा था, इधर ए टी माइनस ए नॉट लिखा था, बोलो अब क्या लिखने जाएंगे? ओरली भी कर सकते हैं, वी टी माइनस वी नॉट किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वी नॉट को। एक बार वापस, वी टी माइनस वी नॉट किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर दोनों को मिला देते हैं बरा ना। फिर वहाँ पे कॉन्स्टेंट आता है, कॉन्स्टेंट अब बोलो कौन आएगा, गामा आएगा, गामा मालूम है क्या है बरा, मामा नहीं गामा। बोलो स्टार्ट कर, बोलो क्या रहता बताओ, वी टी माइनस। अच्छा एक को पूछू बताएंगे, ठीक है चलो देखते हैं किसको बोलेगा, कौन सत्यम बताएगा। चल पहले बता क्या लिखो, जैसे यहाँ पे ए टी माइनस बोलो उधर क्या लिखूँ, वी टी माइनस वी नॉट आ गया उसके बाजू में। ऋषभ बोल, वी टी माइनस वी नॉट पहले किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, वी नॉट को रहेगा बरा, ठीक है। उसके बाद अभिजीत तू बताओ, फिर से वी टी माइनस वी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको, मतलब कौन, टी माइनस टी नॉट बराबर है, बराबर कर रहे हैं बोलो, सही जा रहा है आदित्य ना, आदित्य ना, ये दोनों मिक्स होएगा, ये दोनों मिक्स हो जाता है ना, बोल क्या आएगा बता, बोल। अच्छा देख के बताएगा, देख ये दोनों मिक्स हो के ऐसा बनता है वी टी माइनस वी नॉट, वी टी बस ध्यान दो इधर, वी टी माइनस वी नॉट, ये दोनों मिक्स होके वी टी माइनस वी नॉट बन गया। वेदांत बोल, वी टी माइनस वी नॉट किसको किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वी नॉट को रहेगा, और दूसरा टी माइनस टी नॉट, समझ में आ रहा है? प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट रहेगा प्रबोध, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट रहेगा तो बता क्या करूँ, जा पहले स्टार्ट पूरा बोल, पूरा लिखने का बताओ क्या लिखो, वी टी माइनस वी नॉट बोल आगे इक्वल टू क्या, गामा आएगा बराबर है, समझ आ रहा है? अरे गामा आएगा ना, अभी अल्फा बीटा भी गामा, आगे बताओ बता, आगे बता बोल, वी नॉट फिर टी माइनस, समझ आ रहा है सबको, समझा रहा है? सरिता क्या पढ़ क्या रहे हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ, हाँ तो क्या निकालेंगे, गामा का आंसर बता फटाफट, गामा क्या रहेगा, वी टी माइनस वी नॉट अपॉन वी नॉट टी माइनस टी नॉट, समझ आ रहा है? डेरिवेशन तुमको समझो, तुम लोग कर रहे, मैं तो खाली लिख रहे समझो, ऐसा है, समझ आ रहा क्या हुआ, निकाल दिए गामा हो गया ना, मतलब आंसर निकाल दिया, गामा निकाल दिया। गामा को बोलते क्या है, वॉल्यूम एक्सपांशन, कोई फ्रेंड ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन डिफाइन बताएंगे ना फिर। अच्छा और कुछ लिखने, हाँ ये जब लिखना पड़ता ना, वेर वेर, चलो बताओ वेर, अगर मैं गामा लिखूँ, गामा सबको लिखने आएगा ना, ऐसा बरा गामा, बोलो क्या बोलेंगे इसको, कोएफिशिएंट ऑफ कौन सा एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन बराबर है, बराबर ना। इसके बाद अच्छा पहले ही आता है, ठीक है चलो लिख दिए जाने दो। पॉइंट नंबर थ्री मालूम है क्या होता है, डिफाइन, बोलेंगे डायरेक्ट क्या सोचेंगे फिर बोलेंगे, बोलेंगे बोलो, इसको देख के बताएंगे ना, बोलो कोएफिशिएंट ऑफ कौन सा एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन इज डिफाइंड एज
चेंज किसमें? चेंज इन volume. चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट क्या? पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम. हाँ ये ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पर डिग्री क्या? राइज इन टेम्परेचर. समझा? बोलो समझा ना. हाँ इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? SI यूनिट निकालते हैं. याद है इसमें बताया तुमको, एक पॉइंट बाकी रह गया ना, मुझे बताता हूँ उसके हिसाब से यहाँ और यहाँ भी चेंजेस करो. आगे यहाँ भी तुमको ऐड करना पड़ेगा. तो पॉइंट नंबर एक काम करते हैं, SI यूनिट को लास्ट में ही लिखते हैं. पहले वो पॉइंट में इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे, पहले वो आना चाहिए क्योंकि SI यूनिट डायमेंशन लास्ट में आता है सब कुछ. एक्चुअली जब प्रैक्टिकल देखा जाए तो मैथमेटिकली मालूम पड़ता है. ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ये सब ये दिख रहा है चेंज इन टेम्परेचर पे नेग्लिजिबल डिपेंडेंट है, मतलब उस पर डिपेंडेंट ऑलमोस्ट है ही नहीं. ये जो है ना, ये तुम्हारा दिखा है इस पर, इसका अगर मैं निकालू मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ, समझो अगर मैं इसके लिए लिख रहा हूँ, इसके लिए लिख रहा हूँ, इसके लिए जो नया पॉइंट है वो बता रहा हूँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन इज इनडिपेंडेंट या फिर नेग्लिजिबल डिपेंडेंट ऑन चेंज इन टेम्परेचर. इस पर ऑलमोस्ट डिपेंडेंट रहता ही नहीं, मतलब उसकी वजह से उसको कोई चेंज नहीं होता है. इसमें तुम लोग कुछ भी ज़्यादा थोड़ा बहुत चेंजेस करो, इधर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं मिलेगा तुमको. समझ में आ रहा है? तो जो तुम लोग इनिशियल टेम्परेचर जो टी नॉट को हम लोग मोस्टली जीरो डिग्री सेल्सियस लेते हैं ना, बोलते तो वही ना उसको, जीरो डिग्री सेल्सियस बोलते हैं ना. हाँ तो मोस्टली जो हम लोग टी नॉट को जीरो डिग्री सेल्सियस लेते हैं वो क्यों लेते हैं? जो मैंने पॉइंट बताया ना उसका उल्टा पॉइंट समझो. मैंने क्या बताया तुमको? ये जो दिख रहा है गामा, ये टी माइनस टी नॉट पे कैसे बताओ डिपेंडेंट नहीं है, मतलब नेग्लिजिबल डिपेंडेंट है, उस पर नहीं है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट होता ही नहीं ज़्यादा कुछ, उस पर इससे इफेक्ट नहीं होता है इसको. ये ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है, कोई भी मतलब कोई भी एक मटेरियल के लिए देखा जाए तो ये तुम्हारा गामा का वैल्यू उसके लिए हमेशा क्या मिलेगा तुमको? कॉन्स्टेंट, प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट मिलता है बरा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर. तो उसके हिसाब से एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिखने वाले. बोलने का मतलब क्या है, ज़रूरी नहीं है कि तुमको टी नॉट को जीरो डिग्री सेल्सियस ही ले, कुछ भी हो सकता है टी नॉट. टी नॉट क्या हो सकता है, मैं जो भी लिखने जा रहा हूँ उसका सिर्फ इतना मतलब है, टी नॉट ज़रूरी नहीं है कि तुमको जीरो डिग्री सेल्सियस ही लेना है. टी नॉट के जगह पे कोई भी टेम्परेचर आ सकता है. समझा? और टी वाला टेम्परेचर क्या टी नॉट से बड़ा रहे कि कम रहेगा? तभी तो एक्सपांशन होएगा ना, गर्म करेंगे तो एक्सपांशन होएगा ना. तो जो भी तुमने यहाँ पे टेम्परेचर लिया उससे बड़ा टेम्परेचर टी रहेगा. समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखने वाला बताता हूँ, स्टेटमेंट तुमको तुम्हारे नोट्स वगैरह में है, कोई लाया डाइजेस्ट का लेके आया अपना नोट्स लेके आया इसका? ठीक है मैं बताता हूँ. चलो इसमें जो मैंने क्या बताया, सिर्फ टी नॉट के जगह बोलो हम लोग जीरो के जगह पे कोई और भी चीज़ लिख सकते हैं, कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं. समझा? तो मैं अब जो मेरा ये सब पैरामीटर्स है ना जिसमें हम लोग टी नॉट को मोस्टली हम लोग क्या लेते थे बताओ? जीरो डिग्री लेते थे ना, बताया था ना जीरो को मैंने तो लिखा था ना टी नॉट बरा. तो जीरो के जगह पे तुम लोग कुछ और भी ले सकते हो, कोई और मतलब इसको मैं टी वन ले लेगा, क्या ले लेगा? तो ये क्या हो जाएगा? टी टू बराबर ना. अगर मैं वी नॉट, देखो टी नॉट था, टी नॉट टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम था इसके लिए मैंने उसको वी नॉट लिखा था ना. अब जरा क्या अब टी नॉट है, अब क्या है टी वन, तो ये क्या होएगा? समझा? यही करने वाला मैं. अगर ये टी वन था तो ये क्या था? तो इसके वजह से तो नाम मैंने इसको दिया था, तो बोलो ये क्या बन जाएगा? समझ? तो फॉर्मूला ही चेंज ना पूरा. समझा रहा क्या है? वही तुम्हारे क्लास वाला पॉइंट था जो बच गया था सब में. अरे यहाँ तक के तो भी राइट ही है, वो खाली एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया तुमको मैंने. समझा मैं क्या करने वाला? मैं वी नॉट की जगह बोलो क्या लिखूँ? वी वन. अरे नॉट की जगह पे वन, टी की जगह पे टू. वी नॉट मतलब वी वन, वी टी मतलब वी टू, इधर वी वन, इधर टी टू, ये टी वन. समझ में आ रहा है? यही करेंगे और कुछ नहीं है. चलो एक स्टेट पहले तुमको एक स्टेटमेंट बता दूं मैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखो एक स्टेटमेंट है वो सुन लो, फिर हम लोग लिख सकते हैं. डायरेक्ट लिखना ठीक नहीं रहेगा. देखो जरा मैंने जो मैंने याद है मैं क्या बताया, मैंने क्या बोला, इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा ये दिखाई दे रहा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे वो एरियल हो, चाहे वो लीनियर हो, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इस पर नेग्लिजिबली डिपेंडेंट है. बराबर? समझ आ रहा है? ज़्यादा कोई डिपेंडेंट नहीं, उससे इफेक्ट कुछ नहीं होता है उसको. बराबर? तो एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, ये वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगा. बराबर? तो तुम लोग टी नॉट के जगह पर टी वन लिखेंगे, टी के जगह पर वन और टू लेके आएंगे, बस बोलने का मतलब है. समझ में आ रहा है? जरा पॉइंट को जरा ध्यान से सुनो. देखो क्या, एज द मैग्नीट्यूड ऑफ गामा, as the magnitude of gamma varies negligibly with temperature, temperature के हिसाब से ये negligibly value होता है, मतलब इसमें ज़्यादा effect होता नहीं है. समझ आ रहा है? as the magnitude of gamma varies negligibly with
टेम्परेचर में चेंज आया तो इसमें कुछ ज़्यादा फर्क देखने नहीं मिलेगा तुमको। समझा मैं क्या बोला? बोल सकते एक बार? बोलो। एज द मैग्नीट्यूड ऑफ गामा वेरीज नेग्लिजिबली विद टेम्परेचर। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब इसका वैल्यू कॉन्स्टेंट है। जब मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने एक ही तो चेंज किया, मैंने क्या चेंज किया? टेम्परेचर बढ़ाया। समझ आ रहा है ना? अगर टेम्परेचर बढ़ाने के बावजूद तुम्हारे गामा में चेंज नहीं आ रहा है तो और कैसे चेंज आ सकता है बताओ? और कुछ है चेंज करने लायक? खाली टेम्परेचर तो चेंज किया। समझ में आया क्या? हाँ, तो इसके लिए मतलब इसका वैल्यू तुमको प्रैक्टिकल को पर्टिकुलर मटेरियल के लिए क्या मिलेगा? कॉन्स्टेंट। ध्यान सुना फिर से एक बार। एज द मैग्नीट्यूड ऑफ गामा रिमेन्स क्या? एज द मैग्नीट्यूड ऑफ गामा वेरीज नेग्लिजिबली विथ टेम्परेचर। ना ये मैं लिखता भी हूँ, एक बार देख लो। इसके आगे पॉइंट सुनो क्या है। इट इज एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल। वही बता ना मैं तुमको, कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए फिर इसका मैं वैल्यू क्या एज्यूम कर सकता है? कॉन्स्टेंट। दोनों कनेक्ट करके जरा सुनो। द मैग्नीट्यूड ऑफ गामा वेरीज नेग्लिजिबली विथ टेम्परेचर, हेंस इट कैन बी एज्यूम्ड कॉन्स्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल। सिंपल ना? अरे सिंपल है ना? आगे आगे नेक्स्ट। तो क्या जरूरी है टी नॉट को 0°C लेना चाहिए? नहीं। कुछ भी ले सकते तुम लोग, यही तीसरा पॉइंट है बराबर। हेंस इट इज नॉट एसेंशियल टू टेक इनिशियल टेम्परेचर एट 0°C। Hence it is not essential to take initial temperature as 0°. समझा मैं क्या बोला? तीनों जरा कनेक्ट करके सुनो तो तुमको जमेगा। जरा देखो मतलब पहले हिंदी मतलब समझा क्या? इंग्लिश जरा डायरेक्ट करने जा रहे हैं। समझा रहे क्या पहले? क्या हो रहा है देखो, इस ये दिख रहा है अगर तुमने टेम्परेचर में चेंज किया तुम्हारे गामा में जल्दी चेंज नहीं होने वाला नहीं है। अगर चेंज टेम्परेचर में चेंज करने के बावजूद गामा में चेंज नहीं हो रहा इसका मतलब क्या है? गामा कॉन्स्टेंट है। और अगर गामा कॉन्स्टेंट तो कुछ भी लो ना, यहाँ पे कुछ भी लो मतलब मैं इनिशियल 0 नहीं लेगा, कुछ भी ले सकता है। समझा? मैं T1 लेगा और फाइनल को T2 ले लेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, अब जरा ध्यान सुनो, तीनों पॉइंट कनेक्ट करके मैं बोलेगा उसके बाद तुमको बोलने का, मेरा खत्म होने के बाद सुनो। द मैग्नीट्यूड ऑफ गामा वेरीज नेग्लिजिबली विथ टेम्परेचर, इतना समझा? हेंस इट्स वैल्यू कैन बी, या फिर हेंस इट्स वैल्यू इज एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल। समझा? Hence it is not essential to take initial temperature at 0°C. फिर से एक बार फिर सुनो। The magnitude of gamma varies negligibly with temperature. Hence its value can be assumed to be constant for a particular material. समझा? Hence it is not essential, वो जरूरी नहीं है। Hence it is not essential to take initial temperature at 0°C. समझा पॉइंट? समझा है? खाली बोलना थोड़ा डिफिकल्ट होएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम बोल रहे। ट्राई करो, करो ना ट्राई करो, रॉन्ग तो सबसे होता है, मैं हेल्प करके बोलो, ट्राई करो बोलो। द मैग्नीट्यूड ऑफ गामा वेरीज नेग्लिजिबली विद टेम्परेचर। समझा? इतना तो याद है। आगे हेंस इट कैन बी, या फिर हेंस इट इज एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल। समझा? हेंस इट इज नॉट, जरूरी नहीं है, जरूरी मतलब एसेंशियल मतलब जरूरी। समझा? हेंस इट इज नॉट असेंशियल टू टेक इनिशियल टेम्परेचर एज 0°। अब एक बार तुम ट्राई करो, जिधर अटके मैं बीच में हेल्प करेगा, बोलो ट्राई करो। द मैग्नीट्यूड ऑफ गामा वेरीज विद टेम्परेचर, अगेन हेंस इट इज एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट फॉर अ मटेरियल, फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल। ओके ध्यान दो इधर, बताओ जरा वो पॉइंट जो हम लोग बोल रहे थे क्या था वो पॉइंट? हाँ याद है, इसके हम लोगों ने तीन पॉइंट बनाया था, उससे हमको एक थियरी लिखने का है और फिर एक छोटा सा एक और डेरिवेशन भी करना है, इसका वैल्यू चेंज करना है। याद है सबको कि भूल गए? याद है? चलो एक बार बोलो फिर मैं फटाफट लिखता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोलो क्या था? द मैग्नीट्यूड ऑफ गामा वेरीज नेग्लिजिबल विद टेम्परेचर, हेंस इट्स वैल्यू कैन बी assumed, या फिर hence its value is assumed to be constant for a particular material. आगे दस लिख दो बार, hence मतलब दस दस ज़्यादा दस to take initial as 0°. बोलो जरा, बोलो क्या था, बताओ, try कर बोलो क्या? The magnitude क्या? Magnitude of ऐसा ही point तुमको तीनों इधर भी लिखना है, दो जगह पे, बराबर। द मैग्नीट्यूड ऑफ गामा बोलो वेरीज नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल विथ टेम्परेचर, ना विथ टेम्परेचर, आगे
बोलो, इससे याद होएगा तुमको, बोलो। हैंस इट इज, हैंस इट इज एज्यूम, हैंस इट इज एज्यूम्ड टू बी कॉन्स्टेंट, किसके लिए कॉन्स्टेंट, फॉर अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर मटेरियल। आगे हाँ, दस हाँ, इट इज जरूरी नहीं है कि तुम लोग T नॉट को तुमको जीरो ही लेना, हैंस इट इज, इट इज, हैंस इट इज नॉट एसेंशियल, क्या टू टेक किसको, इनिशियल टेम्परेचर एज जीरो डिग्री सेल्सियस, मतलब हम लोग चेंज कर देंगे, हम लोग चेंज कर देंगे, बताने आएगा गामा में चेंज होएगा नहीं ना, अंदर चेंज होएगा ना, ठीक है, इसका आंसर ना, इसका आंसर, देयरफॉर बोलो बोलो, गामा विल बी इक्वल टू वी टू माइनस वी वन अपॉन वी वन इंटू टी टू माइनस टी वन, समझा, बोलो क्लियर है। तो ये हमने एक और इसका फॉर्मूला बना दिया है, ये भी तुमको लिखना पड़ेगा, ऐसा हर जगह लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग के दो में मैंने लिखा नहीं, भूल गया मैं वहाँ पे लिखने, अब याद आया तो बता दिया, तुम लोग दोनों में चेंजेस करो लेकिन ना बरा, इसके बाद कुछ पॉइंट बाकी है, ऐसा यूनिट बाकी है बरा, फिफ्थ पॉइंट आता है ना सबको ऐसा यूनिट, चलो ठीक है, अब खुद बोलना ऐसा यूनिट क्या लिखो ऊपर, मीटर मालूम है ना सबको, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है, वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम कुछ तो वॉल्यूम आएगा, जो वॉल्यूम आएगा उसका यूनिट रहेगा मीटर क्यूब, नीचे भी एक वॉल्यूम है मीटर क्यूब, टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर कुछ तो टेम्परेचर मिलेगा उसका यूनिट डिग्री सेल्सियस, बराबर है मीटर क्यूब मीटर, देखो एक पॉइंट नोट किया, मीटर मीटर गया, मीटर स्क्वायर गया, मीटर क्यूब गया, सर एक एक बढ़ते बढ़ते आ रहा है, बोलो कैसे लिखा जाता है, वन अपॉन या फिर पर डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो या फिर डिग्री सेल्सियस रेस टू, इसको भी बोलते हैं पर डिग्री सेल्सियस की बात, समझा समझा कैसे किया, चलो इससे ही मुझे बता दो जरा पॉइंट वन का, इसका इसका एक और फॉर्मूला आएगा ना, इसका एक अगर मेरे को फिफ्थ वाला पॉइंट लिखने का है, फिफ्थ वाला पॉइंट ना, यहाँ पे जगह तो नहीं उतना आने के लिए, खाली बताओ द मैग्नीट्यूड ऑफ गामा था इधर, तो वैसे इस क्वेश्चन के लिए क्या आएगा, हाँ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्या आएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा ना, आगे वही रहेगा, आगे वही रहेगा ना, वेर इज नेग्लिजिबल विद टेम्परेचर, बराबर ना, हेंस इट्स वैल्यू कैन बी अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल, दस इट इज टू टेक द इनिशियल टेम्परेचर एज जीरो, हो गया, बताओ बीटा का दूसरा फॉर्मूला, बीटा बीटा किधर, बीटा 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 इधर, ए टू माइनस ए वन अपॉन ए वन टी टू माइनस टी वन, समझा, इजी है ना, हाँ ऐसा एक और बार हमको करना है, कहाँ किसके लिए, अल्फा के लिए लीनियर एक्सपांशन बाकी रह गया अभी हमारा, बराबर चलो वो भी कर लेते हैं, किधर गया, किधर जगह है, ये हीट हटाते हैं यहाँ से तो हो जाएगा, ऐसा यूनिट थोड़ा छोटा कर लेते हैं, याद है ऐसा यूनिट, बताओ जरा क्या था, मीटर नीचे का मीटर और डिग्री से गया ना, ये तुमको मिला था डिग्री सेल्सियस रेस टू माइनस वन, बराबर है यही मिला था, फिफ्थ पॉइंट बोलो क्या था वो, बताओ उसके से बताओ क्या आएगा, हाँ द मैग्नीट्यूड किसके लिए, अभी द मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा, आगे सेम, वेर इज क्या नेग्लिजिबल विद टेम्परेचर एंड इट्स वैल्यू कैन बी अज्यूम्ड टू बी कॉन्स्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल, दस नॉट एसेंशियल टू टेक द इनिशियल टेम्परेचर एज जीरो डिग्री सेल्सियस, बोलो अल्फा का वैल्यू जल्दी, L2 माइनस L1 अपॉन L1 T2 माइनस T1, सबको समझ गया लगता है, पूरा समझा ना पूरा जो जो सिखाया आज, तो आज हम लोग ने सिर्फ तीन क्वेश्चन किया है लेकिन बड़ा बड़ा क्वेश्चन था, बड़ा समझा तुमको क्या किया, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन, समझा तीनों क्या है, सब डिफाइंस वगैरह पूरा को याद है, दो दो मेन बड़ा बड़ा थियरी आया था हमारे पास, ये यहाँ पे एक था और एक लास्ट में तुमको जो लिखना है यहाँ पे, ये तुम्हारा काम है ऐसा तुम लोग मत डाल देना, वो तुमको लिखने करेगा, समझा कैसे किया, बोलो खत्म चलो।